हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? हम आशा करते हैं कि आप सब बिल्कुल अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, मेरा बाबू, जैसा कि हम कल दवा लेने गए थे, तो कल अभी तक तो आराम है, क्योंकि रात में मैं 10 बजे दवा दी थी, फिर उसके बाद मैं रात को 2:30 बजे दवा दी हूँ। फीवर नहीं था, फिर भी वो बोले थे 3 बार देने के लिए दवा, तो मैं दी हूँ। और उसके बाद मैं सुबह 7:30 बजे तक इसको फिर से मैं पूरी दवा पिलाई थी, और अभी बज रहे हैं 12। अभी जस्ट मैं स्कूल से गई थी लेने बाबू को, तो अभी लेके आई हूँ। तो मतलब अब जा रही हूँ मैं, उसको दाल चावल खिलाऊंगी, खिलाने के बाद फिर मैं इसको मतलब दूंगी दवा, क्योंकि वो 3 बार बोले हैं, तो हमें लगा कि 4 बार ना जाए, क्योंकि सुबह 7:30 बजे ही दवा देते। मेरे को कहीं ना कहीं डर लग रहा है कि फीवर ना आ जाए इसको, अगर आ जाएगा तो फिर इसको कहीं और लेके जाएंगे दिखाने बनारस में, नहीं तो भगवान करें कि ये जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि स्कूल जा ही नहीं रहा था। आज सुबह थोड़ा आराम था, तो मैं सोची कि जाएगा बाहर, थोड़ा खेलेगा, तो मतलब बच्चों में रहेगा, थोड़ा मन इसका अच्छा रहेगा, इसलिए मैं स्कूल भेज दी थी इसको। और क्योंकि घर पे तो मैं तो अकेले रहती हूँ, मेरे साथ कितना खेलेगा, वहाँ पे जा गया है तो बल्कि बच्चों के साथ अच्छा लग रहा है, थोड़ा मन खुश लग रहा है इसका, क्योंकि बच्चों के साथ रहेगा थोड़ा मन चंचल रहेगा, तो इसके लिए मैं स्कूल भेजी थी इसको। अभी तक फिलहाल ठीक है, लेकिन अभी खेल रहा है। देखिए, आज मेरा बाबू जो है एलेक्स, देखिए स्कूल गया था, दिखा दीजिए एलेक्स, मेरा बच्चा स्कूल गया था, अभी जस्ट आया, 12 बज गया है। और मैं दिखाती हूँ ना आप लोगों को, देखिए लंच नहीं करता है, मैं देख मत दिखाओ। क्यों बेटा, आप लंच नहीं करके आते हैं ना? आज मैं फर्स्ट आया हूँ। पानी भी नहीं पियो का बेटू, थोड़ा सा पानी पियो वो। हाँ, एलेक्स का पहला दिन है स्कूल में। टिफिन कहाँ रखे हैं बेटा? टिफिन नहीं दिख रहा है, टिफिन किधर रखे हैं बताइए वो बेटा? अरे वो इरेजर नहीं लाया बेटा मैंने, है तो आज आप ज्योमेट्री बॉक्स नहीं लेके गए थे? आज आपको मैम क्या बोली है बेटा? बोली है ना, हाँ देखिए लंच नहीं किया है, भुजिया देर से नहीं किया है, और घर पे आके बर्फी खा रहा है गिलास में लेकर के। मम्मी को भी खिला दे लल्ला। हाँ। दोस्त लोगों को भी खिला दीजिए। लंच कुछ नहीं किया है, मैं ही कर लेती हूँ घर पे बैठे बैठे ना बेटू। आप तो किए नहीं है, तो मैं ही सोची मैं ही कर लेती हूँ। इसका देखिए बॉटल कितना अच्छा है, इसमें ऐसे करने पे इसमें लाइट जलती है, बहुत अच्छा है इसका बॉटल। कौन लाया है ऐसा पी रही है? पापा लाया ना, मैं देखू तो देखिए जल रहा है ना, इसका बॉटल बहुत अच्छा है ना बेटू। सब कोई पूछ रहा था कि जादू बोतल है, सब लोग पूछ रहे थे जादू बोतल है। आप क्या बोल रहे हैं? सारा बर्फी खा गए बेटा, मम्मी के ऊपर और खिला दीजिए एक बार और। बाय बाय, गुड बाय, दोस्तों को गुड मॉर्निंग कर दीजिए। गुड मॉर्निंग। बाबू गया था, मैं गई थी रास्ते में लेने, लेके अभी जस्ट आई हूँ। तो अभी देखिए बाबू को फीवर नहीं है, मेरा बाबू अभी अच्छा है। अच्छा, बस वाले पूछ रहे थे कि आप बस वाले नहीं हैं? नहीं, पूछ रहे थे कि बस वाले तुम? हाँ नहीं हो। अच्छा तो ठीक है, जल्दी जल्दी जी मैं आपका ड्रेस निकाल दूँ, चलिए मैं खाना खिला देती हूँ बेटा, हाथ धो के ना, चलिए मैं दाल चावल और भुजिया खिला देती हूँ, ठीक है बेटू? हाँ ठीक है। मेरा गुड्डी बेटा, आज यहाँ पे प्यार करूँ बाबू को, मेरा बच्चा को। एलेक्स चला गया तो मैं सोच रही थी मेरा बच्चा कब आएगा, मेरा बच्चा कब आएगा, मेरी बच्ची कब आएगी, मैं ऐसे सोच रही थी। क्या बोली है मैं? सारे बच्चे बच्चे ना आज पूरे एलेक्स मेरे को मिठाई लगा दियो। नहीं गंदी बात, खा लीजिए। क्या खा दे
बच्चा बता दे एलेक्स पूछ रहे कि एलेक्स का दांत चमकीला है, देख के बता दीजिए। कल सो गया था, आप लोग लाइव में देखे नहीं होंगे मेरे बच्चे को, देखिए मेरा बच्चा आ गया है। एलेक्स का ना गिरना नहीं है, रुक। हाँ हाँ वो देख ले, देख ले। एलेक्स रोज ब्रश करता है ना। बाबू इधर आ बटू। एलेक्स क्या है ये? अब देखिए इसका एक खास बात है कि टिफिन लंच दीजिए करके ही नहीं आया। देखिए टिफिन सारा ला के रख दिया है, नहीं खाया है। मतलब दो रोटी दिए थे तो एक रोटी खाया है, एक रोटी वैसे ही पड़ा है। बोल रहा है कि तुम अच्छा रोटी नहीं बनाई थी। देव मैं रोटी भी खाती हूँ, हम लोगों को खा गया, उसमें छेद कर दिया, रोटी में छेद कर दिया। बोला कि क्यों नहीं खाए हैं बेटा, तो बोला कि तुम रोटी अच्छा नहीं बनाई थी। ये नहीं रोटी, देखिए खा के आधा ऐसे किया है, देखिए कैसे खाया है रोटी। खाया नहीं तो बोला तुम रोटी अच्छा नहीं बनाई हो। तो दोस्तों मैं जा रही हूँ अपने बाबू को खाना खिलाने, और थोड़ा उसको मैं दवा और टाइम से मैं दे दूँ क्योंकि अभी 12 बज रहे हैं। तो फिर मिलेंगे हम एक नए वीडियो में, और आप सब अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय दोस्तों।